हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री इडियट्स। मेरा नाम है हिमांशु एंड फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम करंट्स ओवर द इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। फ्रेंड्स, यू नो 19th ऑफ सितंबर को आपका सीडीएस का एग्ज़ाम आने वाला है और इसके लिए हमें कुछ सब्सक्राइबर्स ने, आई कैन से फ्रेंड्स ने मैसेज किया था और कहा था कि सर कुछ करंट्स हो जाए फॉर द रिलेटेड दिस थिंग्स। तो मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है, सो एज इट इज़ आई कुड मेड इट, मैंने बनाया और मैंने पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं। एंड फ्रेंड्स, पार्डन फॉर वन थिंग दैट माय हैंड राइटिंग इज़ नॉट सो गुड इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ पार्डन फॉर मी। आई होप आप लोग को समझ में तो आएगा ही। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट फ्रॉम द इंडियन आर्मी। द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज जनरल बिपिन रावत, एज यू ऑल नो। बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हमारे इंडियन आर्मी को। सेकंड वन, इंडियन आर्मी डिफेंड्स द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड दैट इज कॉल्ड द सियाचिन। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड हम डिफेंड करते हैं जिसे हम बोलते हैं सियाचिन। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी स्टैंड्स सेकेंड, इट्स मोटो इज सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि इंडियन आर्मी हमारी स्ट्रेंथ में सेकेंड करती है आफ्टर चाइना। एंड अब थोड़े करंट पे आ जाते हैं। इंडियन आर्मी विल गेट 6 अपाची हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम अमेरिका एंड दिस विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द जायंट बोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग। बोइंग एक ऐसी कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट्स एंड फाइटिंग जेट्स इन सब के इंजन्स एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द बोइंग एंड दिस इज़ फ्रॉम अमेरिका। नेक्स्ट वन, इंडियन आर्मी डेवलप्स हमराज ऐप फॉर द सोल्जर्स टू ट्रैक प्रमोशंस। इंडियन आर्मी ने सोल्जर्स के प्रमोशंस एंड पोस्टिंग के लिए एक ऐप डेवलप किया है, दैट इज़ कॉल्ड द हमराज। तो अब उनके हमराज, तो अब उनके लिए आसान हो जाएगा उनकी पोस्टिंग और प्रमोशंस को देखना कि कहाँ पर हैं। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी गेट्स द मॉडर्न बुलेट प्रूफ हेलमेट, दैट वन। This is the modern bulletproof helmet and manufactured by Kanpur based MK Industries. You know friends, UPSC is making the questions, तो आपसे सीधा नहीं पूछ सकती है कि अभी इंडियन आर्मी के लिए रिसेंटली क्या बनाया गया बुलेट प्रूफ जैकेट या हेलमेट। यूजली वी कैन से इट इज़ द हेलमेट, बट पूछ ऐसे सकती है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। तो ये कानपुर बेस्ड एम क्यू इंडस्ट्री है। दिस हेलमेट कैन प्रिवेंट अप्रोक्सीमेटली 9 mm बुलेट, यहाँ तक तो प्रिवेंट कर ही सकता है। एंड फ्रेंड, जो पहले के हेलमेट थे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, अब ये वाला जो हेलमेट है ये हल्का भी है और सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। तो ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। आई होप नेक्स्ट टाइम हम लोग को बुलेट, हम इंडियन आर्मी के पर्सनल्स को बुलेट प्रूफ भी दे सकेंगे। नेक्स्ट वन, इंडियन आर्मी विल गेट M777 आर्टिलरी गन। फ्रेंड्स, 1980 के बाद ये फर्स्ट आर्टिलरी गन है, इट इज़ बीन इंक्लूडेड इन इंडियन आर्मी। दिस गन्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। फ्रेंड्स, हाई अल्टीट्यूड्स पे फायरिंग के लिए ये यूज़ होती हैं। आर्टिलरी का मतलब वही होता है सपोर्ट, एंड दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू इंडियन आर्मी। मतलब हैवी फायरिंग या शेलिंग कर दी होती है तो फिर आर्टिलरी गन का यूज़ किया जाता है। आप देख लीजिएगा कि इसको कमीशन कहाँ किया गया है, नाग। दिस इज थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल डेवलप्ड इन इंडिया इंडिजिनसली। ये स्वदेशी निर्मित है एंड दिस मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाई TRDO द मैनुफैक्चर, एंड द मैनुफैक्चर इज PDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, मैनुफैक्चरर एंड डेवलपर, इन दोनों का नाम बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन हो जाते हैं नाग मिसाइल, ये थोड़ा सिंपल हो जाता है फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल, बट जब मैन्युफैक्चरर या डेवलपर की बात हो जाती है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। और UPSC ऐसे ही बनाती है, इसकी टेस्टिंग हुई थी पोखरण में। फ्रेंड, लास्ट ईयर जब मैं UPSC के क्वेश्चंस लास्ट ईयर के मैं देख रहा था, देन आई फाउंड वन थिंग दैट आपको जो एक्टिव मेन बैटल टैंक्स हैं उनका नाम दिया होता, उनमें से पूछा था कौन है या नहीं है। तो मैंने सोचा कि इट वुड आप लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इनको जानना और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। करेंटली एक्टिव मेन बैटल टैंक्स आर अर्जुना, T90, भीष्मा। T90 और भीष्मा दोनों अलग अलग हैं। T72, अजय, T55 एंड विजयांता, ये आप देख लीजिएगा, ऑप्शन देखे पूछ सकता है इनमें से कौन है या कौन नहीं है। नेक्स्ट वन इज आर्मी एक्सरसाइज डन बाय द इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स, दूसरे देशों के साथ हम आर्मी एक्सरसाइज करते हैं, एंड द मेन मोटो इज, जो सबसे बड़ा मोटो हमारा होता है वो ये होता है कि हमारी दूसरे देशों के साथ बायलेटरल रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं। जैसे कभी नेचुरल डिजास्टर हो गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, या फिर युद्ध की स्थिति आ गई, तो वो हमारी टैक्टिस या हम उनकी टैक्टिस, हम कैसे काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये हमको जानना बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी फ्रेंड, हमारा दूसरे देशों के साथ संबंध जितना ही अच्छा होगा उतना ही हमारा रक्षा व्यय कम होगा, रक्षा व्यय हमारा कम होगा,
तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम आर्मी एक्सरसाइजेस के बारे में देख लेते हैं। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, हैंड इन हैंड इंडिया चाइना, शक्ति इंडिया एंड फ्रांस, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात हो जाती है कि हमने जो ये शक्ति की बात की और मित्र शक्ति की, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और फ्रांस, ये नाम में थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है और आप जानते हैं यूपीएससी क्वेश्चन बना रही है एज आई एम ऑलवेज सेइंग। नेक्स्ट वन इज़ नोमैडिक एलिफेंट, एलिफेंट का नाम है तो थोड़ा मंगोलिया सोच लीजिए, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। युद्धाभ्यास इंडिया यूएस, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, लेमित इंडिया सेशल्स, प्रबल दोस्तक इंडिया कजाकिस्तान, ये भी रिसेंटली डन एक्सरसाइज है, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगली जो है हमारी है अल नगा, ये इंडिया और ओमान के बीच है। नेक्स्ट अजय वॉरियर इंडिया यूके, संप्रीति इंडिया बांग्लादेश, अस्त्र हिंद इंडिया ऑस्ट्रेलिया, खंजर फ्रेंड्स ये जो आपकी है खंजर इंडिया और किर्गिस्तान है, अभी इसके पहले जो मैंने प्रबल दस्तक बताया वो इंडिया और कजाकिस्तान है, तो ये देखिएगा मैं फ्रेंड्स खंजर और प्रबल दस्तक कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, कंफ्यूजिंग नेम है। अब ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्रेंड्स ऐसे नाम दे सकता है कि क्या इनमें से कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है या कौन सी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। जैसे राजपूताना राइफल्स दे दिया, पंजाब रेजिमेंट दे दिया, असम राइफल्स दे दिया, बीएसएफ दे दिया, पूछ लिया इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो अगर हम जानते होंगे तभी हम बता पाएंगे। तो जो सबसे ओल्ड है दैट इज़ असम राइफल्स, नेक्स्ट वन बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल जो है वो आपकी सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट रीजन में वर्क करती है, बीएसएफ जो है वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर रीजन में वर्क करती है, इट हैज़ ये जो बनी थी ये 1965 में बनी हुई थी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट ग्लिच। अगला जो है आपका वो है हमारा सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये फ्रेंड्स मेनली दीज थिंग्स वर्क इन सिक्योरिटिंग द एयरपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। नेक्स्ट वन इज आवर सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ओह सॉरी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जब इंटरनल राइट्स हो जाते हैं, जब कहीं पे देश के अंदर दंगे हो जाते हैं, हिंसा भड़क जाती है, तो वहाँ पे हमको हम डिप्लॉय करते हैं सीआरपीएफ को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट वन आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, अभी हमने डोकलाम वाला मुद्दा सुना था, तो ये जो हमारी है इंडिया तिब्बतन का माउंटेन रीजन्स, हिली रीजन्स एंड इंडिया चाइना बॉर्डर पे, इन दोनों जगहों पे इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स जो है हमारी ये टेक केयर करती है। नेक्स्ट वन इज़ एनएसजी, जिन्हें हम यूजुअली ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम शायद सबसे ख़तरनाक जानते हैं, एंड शायद क्या दे आर अमंग ऑल दीज दे आर द मोस्ट डेंजरस, ये हमारे जैसे टेरर अटैक हो गया या 26/11 टाइप के मुंबई अटैक्स, जो इस तरह के टेररिस्ट अटैक होते हैं, इन सबसे निपटने के लिए एनएसजी को बुलाया जाता है, तो अब आप इनकी इंपॉर्टेंस जान ही सकते हैं कि ये कितने ख़तरनाक और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज़ एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, एनएसजी का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेक्स्ट सीमा सुरक्षा बल 1963 में ये बनी थी, ये इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर्स और साथ ही साथ इंडिया बांग्लादेश इन बॉर्डर्स पर भी निगरानी करती हैं, दे आर ऑल्सो सीइंग गार्डिंग द पोलिंग बूथ्स ड्यूरिंग द इलेक्शन, अभी आपके गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी जो गार्डिंग करेंगी पोलिंग बूथ्स की वो होगी हमारी एसएसबी। एंड फ्रेंड्स इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है, इसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट वन इंडियन नेवल बेसिस, देर आर थ्री मेजर नेवल बेसिस, वेस्टर्न नेवल बेस मुंबई, सदर्न नेवल बेस कोच्चि एंड ईस्टर्न नेवल बेस इज इन विशाखापट्टनम, ये जो तीनों नेवल बेस हैं ये इंडियन आर्मी द्वारा यूज़ किए जाते हैं, सॉरी इंडियन नेवी द्वारा यूज़ किए जाते हैं और ये रियली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर अंडमान निकोबार कमांड ये यूनिफाइड, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड ये चारों इसका यूज़ कर रहे हैं, एंड दिस हैज़ बीन सेटअप इन 2001, ये आपकी 2001 में बनी थी। लिस्ट ऑफ सम नेवल बेस देख लीजिएगा, आईएएस द्वारका, ओखा गुजरात, आईएनएस सरदार पटेल, पोरबंदर गुजरात, आईएनएस कदम्बन, आईएनएस वज्रकोश एंड आईएनएस पतंजलि, ये तीनों आपकी कारवार में है जो कि कर्नाटक में है। फ्रेंड थोड़ा करंट पे आ जाते हैं, आईएनएस तरासा,
अपने टाइप की फोर्थ वेसल है ये, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये, मतलब हमको एक इंस्टेंट एक्शन के लिए जो चाहिए होती है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ वेसल। और इसके बारे में बात करते हैं, इट इज़ इंडिजिनसली मेड, बिल्ड इन कोलकाता, और जो बनाया है वो बनाया है GRSE ने। इसका फुल फॉर्म क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे इट इज़ मेंशन्ड इन नोट। ये अपने टाइप की चौथी है, जो बाकी तीन हैं देयर ईयर, IS तुरमुगली एट विशाखापट्टनम कमीशन इन 2016, INS तियायो ये भी विशाखापट्टनम है 2016 में, INS तिलांचंग ये कारवार गुजरात में है मार्च 2017 में, एंड INS तरासा ये तो मुंबई आपके 2017 में, अभी रिसेंटली ये आपकी कमीशन हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली V409 इंस्पेक्टर बोर्ड फॉर द कोस्ट गार्ड कमीशन एट मैंगलोर, मैंगलोर कहाँ पे हमारा कर्नाटका में, तो ये मैंगलोर में हुई है, ये इंस्पेक्टर बोर्ड है, ये भी आपकी जैसे इस साइड से स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उन सब के लिए हमको एक हाई स्पीड वेसल चाहिए, जो कि बोट चाहिए, जो कि ये है आपकी V409 इंस्पेक्टर। नेक्स्ट INS कलवारी, इट इज़ अ फर्स्ट होम बिल्ट सबमरीन कमीशनड एट मजगांव डिस्ट्रिक्ट अंडर प्रोजेक्ट 65, एंड इट इज़ अ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में ये पहली सबमरीन है, ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर डेवलप की गई है, और इट इज़ इंडिजिनसली यानी कि स्वदेशी है, और मजगांव मुंबई में ये कमीशनड है, देख लीजिएगा INS कलवारी। नेक्स्ट नाविक सागर परिक्रमा, फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स शोज अ थिंग दैट इज़ कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, क्योंकि ये हमारी नेवी द्वारा एक समझ लीजिए प्रोग्राम है, और इसमें पूरा क्रू मेंबर वुमेन का है, मतलब नो मैन, एंड दीज वुमेन विल सेल इन फोर कंट्रीज, सॉरी इन हाँ इन फोर कंट्रीज, दे विल स्टॉप एट फाइव प्लेस, दे विल टेक 165 डेज, तो मतलब 165 दिनों तक द होल प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड बाई इंडियन वुमेन, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाविक सागर परिक्रमा ये 11 सितंबर को शुरू हुई है, 5 लेक में कंप्लीट होगा, ठीक है। जो पहला होगा वो होगा फर्मेंटल द्वीप ऑस्ट्रेलिया, लैटिन न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनली फॉकलैंड, केप टाउन साउथ अफ्रीका, और फिर एट लास्ट इट विल रीच एट गोवा इन 2018। नेक्स्ट फ्रेंड हमारी एक्सरसाइजेस जो होती रहती हैं वो स्लीनेक्स 2017, इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मैरिटाइम नेवल एक्सरसाइज, इट इज़ अ 7th एडिशन हेल्ड एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, जो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच हुई है ये मैरिटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले आर्मी से रिलेटेड बताए थे, वैसे ही नेवी भी हमारी एक्सरसाइजेस करती है दूसरे देशों के साथ। नेक्स्ट वन LCU मार्क 4L52, इट इज़ इंडियन नेवी सेकेंड लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी कमीशन एट पोर्ट ब्लेयर अंडमान। नेक्स्ट वन इज़ INS करना कमीशन एट भूमिपत्तनम नेवल बेस, ये भूमिपत्तनम जो है ये आपका विशाखापट्टनम में है, और ये आपका जो कमीशनड हुई है ये फॉर मार्कोस, यानी कि हमारी मार्कोस की ये समझ लीजिए एक स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे दुनिया में बहुत सारी खतरनाक सुरक्षा की एजेंसियां होती हैं, जैसे आपकी हो गई इसराइल में मोसाद, वैसे इंडिया में मार्कोस, और ये शायद दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे खतरनाक एजेंसी में बोली जाती है मार्कोस, तो इनके लिए एक अलग से INS करना एक पेट्रोल एक शिप का कमीशन किया गया, ये भूमिपत्तनम जो कि विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट है INS तासा, जो कि मैंने अभी बताया हाई स्पीड ऑफशोर पेट्रोल वेसल फॉर द अटैक कमीशन एट मुंबई मेड बाय द, ये मैंने आपको जो मेंशन कराना था वो यहाँ पे है। GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, ये जो आपका फ्रेंड GRSE है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे इंडिजिनसली जो भी शिप्स या फिर ऐसी कुछ भी बिल्ड्स होती हैं ये इनको बनाता है। फ्रेंड्स एक और दो और भी हैं, एक है आपका आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट फ्रेंड्स इस सेक्शन को देख लीजिएगा कि हमारे ये इंडियन डिफेंस के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कौन कौन से हैं।
अब एक मालाबार एक्सरसाइज हुई थी विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. इट वॉज डन बिटवीन अमंग इंडिया यूएस एंड जापान. ये इंडिया यूएस एंड जापान के बीच हुई थी एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा एक प्रभाव दिखाता है कि हम जापान और अमेरिका के साथ कितने अच्छे रिलेशनशिप में हैं, हमारे रिलेशन कितने अच्छे हैं. और इट वॉज स्पेशली टू सो चाइना, क्योंकि आजकल चाइना दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है. तो ये उनको सीधे सीधे एक मैसेज है कि नो, वी आर ऑल्सो समथिंग. नेक्स्ट एक्सरसाइजेस देख लेते हैं कुछ. सिम्बैक्स, इंडिया सिंगापुर, कोंकण, इंडियन नेवी एंड ब्रिटिश रॉयल नेवी, इप्सामार, इंडिया एंड ब्राज़ील, ऑस इंडेक्स, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. फ्रेंड आई होप आप लोगों को मैंने जितना बता दिया वो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा था, बट आई थिंक आई हैव गिवन यू आइडिया. मैंने आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दिया है कि हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट आर द एरियाज यू हैव टू स्टडी. सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए. अगर मैंने कोई फैक्ट छोड़ दिया है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट वी कैन मेंशन इट. और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको एग्ज़ाम देना है 19th of November को, वो अगर उन्हें पता चलता है तो अच्छी बात है. सो एंड फ्रेंड्स, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज आई आर इज ह्यूमन, गलती मान भी है. आई ट्राई टू गिव यू दैट 100% जेन्युइन फैक्ट्स, बट अगर हो जाती है तो आई एम सॉरी फॉर दैट थिंग. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक. थैंक यू फ्रेंड्स.